एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। आपको जैसा कि पता होगा, इसरो ने कार्टोसैट 3 को लॉन्च कर दिया है। कई दिनों से मैंने इस खबर को आपको बताया हुआ था और आज 27 नवंबर 2019 को इस लॉन्च को अंजाम दे दिया गया 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात की जाए तो इस वीडियो में हम लोग इस कार्टोसैट 3 के बारे में, इस लॉन्च के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां जानेंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिली होंगी, और इन जानकारियों को जानकर आपको इस लॉन्च के बारे में थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो चलिए जान लेते हैं। ये जो कार्टोसैट 3 था, इसको ओरिजिनली 2014 में लॉन्च किया जाना था, पर उससे पहले कार्टोसैट 2 सीरीज के ही कई लॉन्च किए गए और बाद में ये प्लान बनाया गया कि 2019 में इस लॉन्च को परफॉर्म किया जाएगा। इस लॉन्च के साथ जो और सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, वो 13 संख्या में हैं और ये सारी सैटेलाइट्स अमेरिकन हैं, जो कि भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई नवेली कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा अरेंज की गई थी, यानी कि इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था विदेश की कंपनियों ने। इसमें कुछ 12 जो छोटी नैनो सैटेलाइट थी, उनको फ्लॉक 4P कहा गया, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा एक जो सैटेलाइट थी वो मैश बेड थी, जो कि एक कम्युनिकेशन टेस्ट बेड था, और कुल मिला के ये 13 की संख्या में सैटेलाइट हो जाती हैं। इसमें जो मेन पेलोड था उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इस पेलोड के वजन की बात की जाए तो 1625 किलोग्राम का था, और इसका जो एल्टीट्यूड है जहां पर इस सैटेलाइट को बैठाया गया है, वो 509 किलोमीटर का था। इस लॉन्च के द्वारा जो माइलस्टोन प्राप्त किया गया, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से 74वीं उड़ान थी, और पीएसएलवी की बात की जाए तो 49th उड़ान थी। अगर पीएसएलवी एक्सेल के वेरिएंट की बात की जाए तो वो 21वीं उड़ान थी, और कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट की बात की जाए तो 9वीं सैटेलाइट थी, और 2019 के लॉन्च की बात की जाए तो यह 5वीं उड़ान थी इसरो की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएलवी एक्सेल वेरिएंट जो है, जो कि पीएसएलवी का सबसे भारी वेरिएंट होता है, इसमें 6 स्टेप ऑन मोटर लगे होते हैं। एक्सेल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, और इसके द्वारा जब भारी भारी सैटेलाइटें होती हैं उनको लॉन्च किया जाता है। कार्टोसैट 3 का सेपरेशन उड़ान के 17 मिनट 42 सेकंड के बाद हुआ। फर्स्ट कस्टमर सैटेलाइट जो लॉन्च हुई, सेपरेट हुई, वो 18 मिनट 22 सेकंड पे हुई। इसके अलावा जो लास्ट कस्टमर सैटेलाइट लॉन्च हुई, सेपरेट हुई, वो 26 मिनट 50 सेकंड के बाद हुई। सो यह थी इस पीएसएलवी C-47 के लॉन्च की छोटी छोटी ऐसी जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।